तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आपको कम से कम 4 से 7 नंबर देके जाएगा, मतलब 4.75 से लेके 7.75 नंबर तक भी मार्क्स देके जाता है। कि कभी कभार इसके जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पार्ट बी में और एक क्वेश्चन पार्ट सी में आ जाता है, और कभी कभी इसके दोनों क्वेश्चन पार्ट सी में आ जाते हैं, या फिर जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो टॉपिक का जो नाम है ना वो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटी। बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़े से डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है। और जो मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ पढ़ाया था ना, वो ग्राफ अगर आप याद रखते हो तो वेल एंड गुड। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले एक बार जाके वो देख ले, क्योंकि हम इसमें ग्राफ का भी एप्लीकेशन देखेंगे। दैट इज व्हाई आई सेड कि ग्राफ आपको आना चाहिए, राइट? तो आओ देख लेते हैं। कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ लिमिट निकालना है। तो पहले एक कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एक डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे एक और डिफरेंस देखेंगे, बट फिलहाल एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो जब भी हम कंटिन्यूटी बोलते हैं ना किसी फंक्शन f(x) की, तो एट अ पॉइंट बोलते हैं। एट अ पॉइंट मतलब एक ये पॉइंट प्रॉपर्टी है। और जब भी हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोलते हैं ना, तो ये एक पॉइंट प्रॉपर्टी नहीं, ये एक सेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर बात करें रियल लाइन की तो ये इंटरवल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर हम इंटरवल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ही है, तो कभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2, ऐसा कभी नहीं होता है। होता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन सम इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है ना वो इंप्लाई करता है कंटिन्यूटी को, बट ये ऐसे इंप्लाई होता है, बट ऐसे इंप्लाई नहीं होता है। हम देखेंगे एग्जाम्पल आगे चलते हैं जैसे ऐसे। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले तो एक फॉर्मल डेफिनेशन ले देते हैं। जैसे कंटिन्यूटी में एक एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी एक एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक फंक्शन है f जो कि d सबसेट ऑफ r से ना r में डिफाइन है, मतलब बेसिकली एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसको हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब बोलेंगे इफ इन डी जो सेट है उसमें बोलेंगे इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। यहां तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, सेम कंटिन्यूटी वाला ही डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। एंड मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट में भूल गया लिखना, अगर हम लेते हैं कि एंड लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू d implies, अगर हमने कोई भी दो पॉइंट लिया डोमेन में से और उनका जो डिफरेंस है लेस देन डेल्टा आ रहा है, तो वो इंप्लाई करेगा कि मॉड ऑफ f(x1) माइनस f(x2) विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। अब एक एप्सिलॉन डेल्टा वाले में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में डिफरेंस देखते हैं। तो देखो, इसमें जो डेल्टा होता है ना वो एक फंक्शन होता है किसका, इसका एप्सिलॉन का, मतलब डेल्टा इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। बट यहाँ पर जो डेल्टा होता है ना वो फंक्शन होता है एप्सिलॉन और एक्स दोनों, मतलब ये हो सकता है कि एक्स पे भी डिपेंड कर जाए। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ पॉइंट प्रॉपर्टी। और ये एक एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ पॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहीं पर मैं एक एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोगों को इससे समझ में आ जाए, तो मैं इस कंपैरिजन को मिटा देता हूँ। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ओवर हियर विद और अप्लाई द डेफिनेशन। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो लेट्स सी क्या मिलता है हमें। एग्जांपल हमने लिया, मान लिया कि fx इज इक्वल टू क्या है x2, जहां पर x कहां से आ रहा है, रियल नंबर के सेट से आ रहा है। अब हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, राइट? तो देखो, हम पहला क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे डोमेन में से और ये डिफाइन कर देंगे। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू r, हमारा डोमेन क्या है r लिया, और हमने ये डिफाइन कर दिया x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो ये क्या हम क्या कंसिडर करेंगे, f(x1) माइनस f(x2) ये किसके बराबर है, ये बराबर है x1 square minus x2 square के।
तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू। तो ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू मॉड ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू। अब देखो मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू तो लेस देन डेल्टा है, ये पूरी क्वांटिटी लेस देन डेल्टा टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगी। मतलब हमने यहाँ पर अभी तक क्या दिखाया है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन डेल्टा टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, नाउ रिमेम्बर हमारा यू सी और सी में क्या डिफरेंस था, जो डेल्टा था ये फंक्शन था किसका, एप्सिलॉन का, और यहाँ पर जो डेल्टा था ये फंक्शन था किसका, एप्सिलॉन और एक्स दोनों का। ठीक है, अब यहीं पे हमें एक डिफरेंस देखना है, अगर मैं इस अब x1 plus x2 का तो मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, अगर मैंने इस पूरे क्वांटिटी को एप्सिलॉन ले लिया तो यहाँ से मुझे डेल्टा क्या मिल जाएगा, डेल्टा x1 plus x2 क्या मिल जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो मैंने इस पूरे को एप्सिलॉन ले लिया तो यहाँ से मुझे डेल्टा क्या मिल जाएगा, डेल्टा मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन x1 plus x2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि डेल्टा एप्सिलॉन के साथ साथ पॉइंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉट यूसी। बहुत ही सिंपल, क्लियर हो गया। एक और तरीका है चेक करने का, देखो यहाँ से क्या है ना, मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन जीरो की एक नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो ये बेसिकली बाउंडेडनेस की बात कर रहा है कि अगर मैं इस क्वांटिटी को बाउंडेड दिखा पाऊं तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस चीज में देखोगे तो x1 plus x2 तो कहाँ से आ रहे हैं, R में से आ रहे हैं। अब R में से आ रहे हैं तो मैंने अगर x1 को इन्फिनिटी पे टेंड कर दिया, x2 को इन्फिनिटी पे टेंड कर दिया, तो x1 plus x2 भी तो इन्फिनिटी पे टेंड हो जाएगा। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये डोमेन में क्या है, बाउंडेड नहीं आएगा, है ना, ये मतलब कभी भी एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आएगी, एक बाउंडेड क्वांटिटी नहीं आएगी, तो ये कभी भी ये लेस देन एप्सिलॉन टाइप में कभी जा नहीं पाएगा। वहां से भी हम ये बोल सकते हैं कि एक नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूसिटी के क्वेश्चन में क्या होता है ना, सिर्फ डोमेन चेंज करते रहता है, इंटरवल्स और क्वेश्चन सब बदलते रहता है। अभी हमने देखा कि ये आर में जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, अब हम देखते हैं उसका डोमेन चेंज करके। मान लिया कि मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कंसिडर किया एक्स स्क्वायर, और मेरा जो डोमेन है वो है 2.3, राइट, 2.3 मेरा क्या है डोमेन। अब मैंने क्या किया, एक डोमेन को बाउंडेड ले लिया है, 2.3 कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर लिया है जनरल। अब देखो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, राइट, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन डेल्टा टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू। अब देखो क्या आप इसको बाउंडेड दिखा सकते हो किसी नंबर से, देखो x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 3 जाएगी, और x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 3 जाएगी, तो मतलब x1 plus x2 की मैक्सिमम वैल्यू तो 6 जाएगी, तो ये लेस देन 6 डेल्टा होगा हमेशा। और अगर मैं इसको एप्सिलॉन ले लेता हूं तो डेल्टा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 6। तो मैंने इसको एक फाइनाइट नंबर से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने उसको फाइनाइट नंबर से बाउंड भी दिखा दिया तो आपका क्या हो जाता है, वो यूसी, तो आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो देख सकते हैं आपने इंटरवल चेंज किया और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, नॉट यूसी से यूसी में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये बनता है कि अगर हम कोई भी एक बाउंडेड इंटरवल ले लेंगे जहाँ पर ए और बी फाइनाइट है, तो ये एक यूसी बन जाएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू बी रहेगी हमेशा, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम बी रहेगी, हर फंक्शन के लिए मैक्सिमम बी नहीं रहेगा। अगर मैंने फंक्शन को 1/x ले लिया तब मैं बोल देना कि बी पे मैक्सिमम देगा, ऑब्वियसली वो ए पे मैक्सिमम देगा जहाँ पर ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसके भी हम एक बार एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं, राइट, 1/x टाइप का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा इंटरवल चेंज करके देखेंगे क्या है। अब 0 टू इन्फिनिटी मैंने एक इंटरवल लिया है, x बिलोंग, ये आपका क्या है, डोमेन। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, लेट x, y बिलोंग टू 0, infinity, यहाँ से हमने दो पॉइंट उठाया, सच दैट मॉड ऑफ x माइनस y इज लेस देन डेल्टा। Now, अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को कंसिडर करेंगे, तो ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस सॉरी ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ 1/x माइनस 1/y, तो दैट इज इक्वल टू वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाई। अगर मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन मॉड ऑफ
एक्स वाई, ये आपका क्या हो गया मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है ये तो लेस देन डेल्टा है, तो ये क्या हो गया लेस देन डेल्टा अपॉन मॉड एक्स वाई। अब इसको देखो क्या मैं इस डोमेन में किसी हर डोमेन में कुछ भी उठाता हूं तो क्या मैं इसको बाउंडेड दिखा सकता हूं x into y को, 1 upon x into y को। अब देखो अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा y टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो x into y क्या होगा टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो 1 upon x y कहां टेंड होगा 0 पे, तो ये प्रॉपर 0 से लेस देन हो जाएगा जो हमें मतलब इंफिनिटी का अगर हम टेंड करते हैं तो एक बाउंड मिल जाएगा हमें, राइट, एक हमें बाउंड मिल जाएगा तो उससे बड़ा एक एप्सिलॉन हमें मिल जाएगा। अगर हम x को 0 की तरफ टेंड करें y को 0 की तरफ टेंड करें तो x y 0 की तरफ टेंड होगा तो 1 upon x y कहां टेंड होगा इंफिनिटी की तरफ। तो अब ये लेस देन इंफिनिटी आ गया तो इससे बड़ा नंबर हमें कैसे मिलेगा एप्सिलॉन, इससे बड़ा हमें एप्सिलॉन कैसे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो यहां से क्या आ गया कि ये एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। बाकी 0 से इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उस पे तो हमें कुछ फाइनाइट नंबर ही मिलेगा, दिक्कत कहाँ था इन्फिनिटी और जीरो पे था, वहां पे हमने चेक कर लिया कि इन्फिनिटी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेस देन जीरो आ जाएगा और उससे बड़ा एक नंबर एप्सिलॉन अपन ढूंढ लेंगे, लेकिन इन्फिनिटी से बड़ा हम कैसे ढूंढेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर भी इंटरवल चेंज करता हूँ, दिक्कत कहाँ आ रहा था जीरो पे आ रहा था, राइट। तो अगर मैं उस डोमेन को ए कॉमा इन्फिनिटी कर दूं और ए को ग्रेटर देन जीरो ले लूं, तो जैसे हमारा यहाँ पर क्या था वन अपॉन डेल्टा अपॉन मॉड ऑफ एक्स वाई, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, राइट, ये था। तो अब देखो इन्फिनिटी पे तो सेम है, अब x a को टेंड करेगा y a को टेंड करेगा तो 1 upon x y कहां को टेंड करेगा 1 upon a square को टेंड करेगा और a तो greater than 0 है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू इधर ही आएगी ना, 1 upon x y की मैक्सिमम तो इधर आएगी, तो ये मैक्सिमम कहां पे चले जाएगा एप्सिलॉन अपॉन a square पे चले जाएगा, हां डेल्टा अपॉन a square पे चले जाएगा, आप इसको एप्सिलॉन ले लोगे तो ये बाउंडेड हो जाएगा, तो मतलब इस डोमेन में तो ये बाउंडेड हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डोमेन चेंज करने पे हमें कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे, एंड दैट इज व्हाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, राइट। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हर बार एप्सिलॉन डेल्टा लगाना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज का ही यूज करके हम क्वेश्चंस को एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे, और मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना एग्जाम में आते हैं या फिर आज तक आए हैं मोस्टली जो है आपके प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाएंगे। पांच से कुछ प्रॉपर्टी हैं, देखते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है ना वो है ये, इफ ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन इट इज नॉट यूसी। अगर फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस की पैरेलल है तब वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, और इसीलिए मैंने बोला था कि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई मैंने एक ग्राफ का लेक्चर लिया था, राइट। एग्जांपल यहाँ पर अपन लेके चलते हैं, जैसे हमने एकदम पहला वाला एग्जांपल देखो क्या लिया था, एकदम पहला एग्जांपल हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x क्या है एक रियल नंबर से आ रहा है, तो बेसिकली हमने एक पैराबोला लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x क्या है एक रियल नंबर से आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या था, ये पैराबोला था और ये यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बेसिकली ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है, नॉट यू सी, और हमने सॉल्व भी क्या किया था, दिस इज नॉट यू सी, तो इतना बड़ा किया था, या तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने उसको तुरंत सॉल्व कर लिया। तो अगर किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, एंड पैरेलल मीन्स इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इतना पैरेलल हो गया मतलब जीरो से लेके वन तक पैरेलल हो गया तो आप उसको बोल दोगे कि नॉट यूसी, नहीं, व्हेन आई से पैरेलल इट मींस 10 टू इनफिनिटी पैरेलल, राइट। इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज यूसी, अगर फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो वो यूसी होगा। अब देखते हैं कैसे, ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अगर मैंने f of x equal to मान लो ले लिया root x और x belong to मान लिया मैंने ले लिया 0 to infinity, इसका जो graph होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। तो देखो parallel to x axis है और ये आप इसको अगर definition से check करोगे ना तो ये आपको पक्के से uniform continuous ही मिलेगा, ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है।
तीसरा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इंप्लाइज यूसी इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यहाँ पे जोड़ दो यहाँ पे कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है अगर, तो क्लोज इंटरवल में यूसी हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि कंटिन्यूटी चेक करना तो बहुत इजी, इंटरवल में आप इधर चेक करो और बीच में चेक करो सारे पॉइंट पे, लिमिट बस खत्म हो गया। तो अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है किसी फंक्शन के लिए तो आप खाली एंड पॉइंट पे और उसके इंटरवल पूरे इंटरवल में चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो अपने आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, वो डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, अब जाते हैं चौथे प्रॉपर्टी पे। अब ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड, इसके साथ कंडीशन एंड है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसको जोड़ दो, एग्जिस्ट फाइनाइटली होनी चाहिए इस एंड पॉइंट पे, फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे को यूसी है। और ये इफ एंड ओनली का केस है, ठीक है, इसको याद रख लो, ये एक इफ एंड ओनली का केस है, तो ओपन इंटरवल में चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर ले ही लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और एक्स कहाँ से आ रहा है, जीरो कॉमा वन से आ रहा है। तो देखो एक्स जो है वो जीरो वन में तो कंटिन्यूअस है, अगर जीरो वन को छोड़ दिया जाए तो बीच में हर पॉइंट पे डिफाइन है, वन पे भी डिफाइन है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन वन अपॉन एक्स लू तो वन है, बट अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एक्स लू ना तब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मतलब ये फाइनेटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, नॉट यूसी। ग्राफिकल अप्रोच भी देख लेते हैं, 1 अपॉन x का जो ग्राफ होता है ना कुछ इस तरह का होता है और यहाँ तक जाता है, बट हम यहाँ पे 1 पे रुक रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, और ये क्या है देखो y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यहाँ से भी क्या आ गया, नॉट यूसी। तो ग्राफ से भी जा सकते हो लिमिट से भी जा सकते हो। ओके, नाउ कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल आई, आई कैसा है, या तो बाउंडेड इंटरवल हो या तो अनबाउंडेड इंटरवल हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड इफ एफ डैश एक्स इज बाउंडेड, बाउंडेड इन आई इंप्लाइज यूसी। तो बेसिकली इंटरवल कैसा भी हो लेकिन उसमें मेरा फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव है ना वो बाउंडेड होना चाहिए उस इंटरवल में। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस इंटरवल में और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो पक्के से यूसी होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप ले लो कॉस एक्स, एक्स बिलोंग टू आर। अब देखो यहाँ पे मैंने अनबाउंडेड इंटरवल लिया है, ठीक है, अब कॉस एक्स कंटिन्यूस है आर में, हाँ तो पहला चीज सेटिस्फाई हो गया। अब एफ डैश एक्स निकालो तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। अब इसको बाउंडेड है कि नहीं तो उसके मॉड ले लेंगे उसको दिखाने के लिए, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू वन। तो मॉड ऑफ एफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, यूजी हो गया। क्लियर हो गया यहीं से, राइट। अब एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि काउंटर क्यों नहीं ट्रू है। हमने अभी एग्जांपल लिया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स की बात करते हैं और इसके हम 0,1 में बात करते हैं, इंटरवल चेंज कर दिया, हम आर में नहीं जा रहे, अब हम 0,1 में जा रहे हैं, कंटिन्यूस तो है बिल्कुल। अब एफ डैश एक्स निकालो तो वो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। अब क्या ये बाउंडेड है, 1/2 रूट एक्स, 1/√ एक्स का ग्राफ क्या होता है, 1/√ एक्स का जो ग्राफ होता है अगर 0,1 में देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का ही जाएगा, ठीक है, इस तरह का ही जाएगा। तो ये अनबाउंड y इसके पैरेलल भी हो गया और ये देखो ये अनबाउंडेड है, इसमें जैसे आप 0 की तरफ जाओगे तो 1/√ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये फंक्शन अनबाउंडेड है, तो कन्वर्सली ट्रू नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रू इसलिए नहीं है, देखो एक यूसी है, रूट एक्स जो है वो यूसी है हमने बोला है, लेकिन वो उसका जो एफ डैश एक्स है ना वो बाउंडेड नहीं है, हमें बताना चाहते हैं कि कन्वर्स नहीं है। यूसी का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, ये बात याद रख लो। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कुछ इस तरह का है कि अगर मान लो कि एफ यूसी है, एफ इज ए यूसी, इफ एंड ओनली का केस है,
इफ एंड ओनली इफ अगर आपको दो सीक्वेंस मिल जाए एक्स एन एंड वाई एन, कहाँ से? उस डोमेन डी में से। मेरा जो फंक्शन है वो डोमेन डी सबसेट ऑफ आर से आर में चल रहा है। दो सीक्वेंस मिल जाए सर से, उनका जो डिफरेंस है वो जीरो पे जा रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि उनके जो फंक्शन का डिफरेंस है उन सीक्वेंस वो भी जीरो पे जाएगा। और रिमेंबर ये एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऑब्वियस सी बात है। रिमेंबर ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। हमारे पास सिर्फ दो इफ एंड ओनली इफ का केस मिले अभी तक, एक तो ये मिला है हमें और एक ये मिला है, तो इन दोनों को याद रखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इफ एंड ओनली इफ के जो केसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कोई भी दो सीक्वेंस उठा सकते हो, आप इसलिए यहां से निकाल सकते हो। सातवां प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इफ एफ एंड जी आर यू सी, अगर एफ और जी यू सी है ना, तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो ये भी यू सी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अगर यही कंडीशन है इफ एफ एंड जी आर यू सी, तो हम एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मे और मे नॉट, ठीक है? अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, बट हम उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि एफ भी यू सी है और जी भी यू सी है, तो एफ इंटू जी के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स है ना वो यू सी है, और एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू भी मैं एक्स लेता हूँ, दोनों यू सी है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने अभी देखा कि ये यू सी नहीं है आर में, राइट? तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अब एफ अपॉन जी की बात करते हैं। एफ को मैंने एक्स ले, मान लो कि एफ को मैंने वन ले लिया और जी को मैंने एक्स ले लिया, ये भी हमने देखा है कि जीरो कॉमा वन में यू सी नहीं है, तो बात खत्म। बट इंडिविजुअली दोनों यू सी है, राइट? तो एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी के बारे में हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है अल्फा एफ प्लस माइनस बीटा जी, जहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर है, तो वो यू सी होगा पक्के से, अगर दोनों फंक्शन यू सी, ठीक है? इतना याद रखना है, कुछ और पॉइंट है उनको भी क्लियर करेंगे, बट अब अभी हाँ थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दो तीन पॉइंट और एक्स्ट्रा है वो हम क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा, राइट? तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे ग्राफ का कितना ज्यादा एप्लीकेशन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक फंक्शन एफ जो कि आर से आर में है, मैं रेड लेता हूँ, ब्लैक तो ऑलरेडी है यार, ठीक है? एक एफ आर टू आर और जी आर टू आर एक फंक्शन है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है दोनों के दोनों, और जी जो है ना ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स, तो कौन सा इसमें से ट्रू होगा? पहला है एफ इंटू जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फॉर ऑल एफ एंड जी। हमने अभी अभी लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यू सी है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स भी यू सी है, राइट? अब जी एक्स को ग्रेटर देन जीरो बोला है, तो मान लेते हैं इसका कोई इंटरवल हम मान लेते हैं ना, इंटरवल हम जीरो टू इंफिनिटी मान लेते हैं, राइट? तो इनका जब प्रोडक्ट हम लेंगे ना एफ एक्स इंटू जी एक्स लेंगे, तो वो तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो वो पक्का वो ऐसा ही बनेगा, है ना? अब ये ऐसा ही बन गया तो भाई पैरेलल वाई एक्सिस हो गया, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा, हमने ऑलरेडी बोला कि हर लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा एफ प्लस और माइनस बीटा जी हमेशा क्या होता है यू सी, अगर एफ और जी यू सी है, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, अल्फा को वन ले लिया, बीटा को वन ले लिया और प्लस साइन दे दिया, ये तो देखते ही यूसी है। एफ अपॉन जी भी हमने करके आया, भी जस्ट किया नहीं है, और एफ इंटू जी इज नेवर यूसी, हमें ट्रू पूछा है, तो कभी कभार तो यूसी हो सकता है, ऐसा जरूरी ना कि यूसी हो गया। अगर मैंने एफ को मान लो वन ले लिया, जी को मान लो एक्स ले लिया, तब एफ इंटू जी तो यूसी है ना, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर टू गलत है, सही है। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमने कर दिया, इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, और फंक्शन मेरा ए सबसेट ऑफ आर से आर में जा रहा है, और फंक्शन मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इज यू सी इफ, इफ बोला है। तो देखो इसमें या तो हम प्रूव करने बैठे या तो हम काउंटर एग्जांपल्स लेके उसको डिस्ट्रॉय करें, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें। ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर में ना थोड़ा कंफ्यूजन है हमें कि बाउंडेड में होगा कि नहीं होगा, देखते हैं आगे चेक करते हैं। ए इज डेंस सबसेट ऑफ आर, ए इज अ डेंस सबसेट ऑफ आर, मान लो कि मैंने ए को आर ले लिया, डेंस का मतलब क्या होता है, ए क्लोजर शुड बी इक्वल टू आर, तो मतलब यहाँ पर तो आर क्लोजर इक्वल टू आर आता ही है, तो मतलब ये प्रॉपर हो गया। अब मुझे बताना है कि क्या अगर मैंने ए को आर लिया
तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूसी है कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर ए को मैंने आर ले लिया तो ग्राफ ऐसा बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर टू खत्म। ए इज अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। तो वापस से मैंने ए को आर ले लिया, अनबाउंडेड तो है ही आर और कनेक्टेड भी है, बट इसमें यूसी तो नहीं आ रहा था, तो ये भी गलत हो गया। ए इज अनबाउंडेड एंड ओपन सबसेट ऑफ आर, वापस से मैंने ए को आर ले लिया, तो यहाँ से भी ये गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर वन तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसका प्रूफ थोड़ा सा है, जो उससे डेफिनेशन से जा सकते हैं कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बाउंडेड इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम जब आप एफ एक्स माइनस एफ वाई निकालोगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू निकालोगे, तो वो क्या आएगा, लेस देन एक फाइनाइट नंबर से आ जाएगा, क्योंकि ए बाउंडेड है तो मैक्सिमम हमें कुछ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर के रिलेटेड। जैसे यहाँ पर देखो, ए बाउंडेड था तो मैक्सिमम हमें 6 मिल रहा था, अब आप ए को बाउंडेड में ए कॉमा बी लोगे तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, इसलिए वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बन रहा है। सिंपल क्वेश्चन, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आई होप क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। एक मैं लिख देता हूँ, अगर एक फंक्शन है 0, ∞ से R में जो कि UC है, देन पहला ऑप्शन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो क्या ये ट्रू है। अगर मैंने f ऑफ x को मान लो रूट x ले लिया, तो रूट x 0 से इनफिनिटी में कैसे डिफाइन होगा, ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या हो गया, ये यूसी फंक्शन है, जीरो पे तो ठीक है एग्जिस्ट करता है, बट इनफिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर हमें टू देखो क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी एफ नीड नॉट एग्जिस्ट। चलो नीड नॉट का केस तो लेके चलते हैं, अगर एग्जिस्ट कर गया तो भी है, अगर नहीं कर, जैसे यहाँ पर नहीं कर रहा बट ये है यूसी है, अगर मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ तक तो भी हो जाएगा, वो एक फाइनाइट नंबर, इसको लेके चलते हैं डाउट में। चलो तीसरा पे लेके चलते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स नीड नॉट एग्जिस्ट बट एफ इक्वल टू एफ बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर थ्री भी गलत हो गया। चौथे बोला है नाइदर एग्जिस्ट, बट हमारा तो एक एग्जिस्ट हो रहा था यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर टू क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर टू सही क्यों हुआ कि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो अगर इस तरह का कुछ चीज बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम क्या बोलेंगे कि या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा अगर इनफिनिटी लेते हैं, या अगर हम एग्जिस्ट करवा देते हैं इनफिनिटी पे भी लिमिट, तो क्या होगा कहीं ना कहीं तो बाउंडेड हो जाएगा, और बाउंडेड फंक्शन अगर मिल गया तो वो यहाँ पर तो क्या बोलते हैं वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो वहाँ पे हम डिस्कार्ड करके भी जा सकते हैं। राइट, अब देखो आया असली चीज, ग्राफ से बता सकते हैं, लिमिट से बता सकते हैं। अब इसमें ना देखो ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टी नंबर टू का यूज करेंगे, टू नहीं फोर का यूज करेंगे, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल एक कमा बी में और उसका लिमिट दोनों एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तब वो यूसी है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। तो लेट अस चेक, पहला देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात किया है, सॉरी वन अपॉन एक्स की बात किया है, कहां पर 0, 1 में, तो ग्राफिकली तो खत्म है कि ये यूसी नहीं है, नॉट यूसी, यहीं से खत्म है, बट लिमिट से भी चले जाते हैं। देखो 0 से 1 में तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, बट जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होगा ना 1 अपॉन एक्स में, तो ये कहां जाएगा, इनफिनिटी पे, यहीं से ये गलत हो गया। राइट, ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, तो 0, 1 की बात कर रहे हैं ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निकालो, तो ये क्या आएगा, ये तो x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो 0 आएगा, और ये जो है वो प्लस और माइनस, माइनस 1 से प्लस 1 में ये क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, बेसिकली ये कुछ नंबर रहेगा अल्फा जो कि माइनस 1 से 1 के बीच में, बट एनी फाइनाइट नंबर इंटू 0 इज 0, तो ये एग्जिस्ट करेगा, और इस एंड पॉइंट 1 पे तो एग्जिस्ट करेगा, ये 1 इंटू साइन 1 आ जाएगा, और बीच में से कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो ये क्या हो गया, यूसी हो गया। थर्ड को लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स। राइट, अब 0, 1 पे ना, 1 पे तो ठीक है, जब आप 0 की तरफ जाओगे ना तो साइन 1 अपॉन एक्स क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा माइनस 1 से 1 के बीच में, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब कोई बोलेगा यार सर यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ बेटा एग्जिस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि आपका यहाँ एक्स मल्टीप्लाई था, तो उसकी वजह से 0 होके एक यूनिक नंबर मिल रहा था, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब आपको एक यूनिक नंबर मिले, यहाँ पर तो फ्लक्चुएट करेगा बार बार, तो एक यूनिक नंबर नहीं मिलेगा, तो यहीं से क्या होगा, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। चौथे की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स की बात करते हैं 0,1 में, तो 1 पे तो ठीक है साइन 1/1 आएगा, तो साइन 1 जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो ये क्या होता है 1 होता है, तो दोनों पे एग्जिस्ट कर गया, ये भी एग्जिस्ट हो गया, राइट। ये तो एक अप्रोच हुआ, अब एक थोड़ा इसका ग्राफिकल अप्रोच भी हम देख लेते हैं, जैसे हमने कल जो भी ग्राफ किए थे उसमें से ही करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 का तो ग्राफिकल अप्रोच हमने ऑलरेडी कर लिया है, ऊपर आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 इन सब का भी एक ग्राफिकल अप्रोच अगर हम देख ले तो हमें पता चलेगा कि हम ग्राफ से भी कैसे बोल सकते थे, राइट। एंड दैट इज व्हाई ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी लिमिट निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट ग्राफ ठीक है निकाल लेते हैं, और कभी कभी उल्टा भी जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, इसका ग्राफ मैंने कल बताया है, आप लोग जाके पर देख लो, चेक इट आउट। इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, ये थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये ऐसे जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू सी खत्म। अच्छा ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, साइन 1/x, राइट, साइन 1/x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। इसका जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह का बनता है, ये जाते बहुत सारे आते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट बार, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है बहुत बार, इनफाइनाइट बार, ठीक है, और ये ऐसे जाता है, और ये फिर ये और फिर नीचे जाता है पर्सनली नीचे से। तो देखो एक और याद रखो कि कोई भी फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है ना, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हमेशा नॉट यूज ही होता है, ये बात याद रख लो, ये एक फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट बार फ्लक्चुएट होगा ना तो बेसिकली वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा वो, जैसे यहाँ पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो ग्राफिकली भी ये नॉट यूज ही है। साइन एक्स बाय एक्स भी ग्राफ हमने कल बनाया था वो कुछ इस तरह का बनता है, ये छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, तो ये बेसिकली इनफाइनाइट जब आप टेंड करोगे तो एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, तो यहाँ से भी ये यू सी आ गया, तो यहाँ से भी क्लियर है कि ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट है, और लिमिट से भी करेक्ट है। देख लिया आपने कि सिर्फ लिमिट निकाल के भी आपको 4.75 मार्क्स मिलते हैं, तो यार छोड़ के मत ना, ये भी सेम है, हमने देखो रिपीट हुआ है 2013 जून 2016 जून सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा, कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 01 में ही पूछा है, तो लिमिट चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स, पहले देखो ये कंटिन्यूस है कि नहीं हर जगह, हाँ हर जगह है, तो अगर 0, 1 की बात करें तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, हाँ ई रेस्ट टू 0 इज 1, और 1 पे एग्जिस्ट करता है, हाँ ई रेस्ट टू 1, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया ट्रू। दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात करते हैं, 0 पे करता है, हाँ 1 पे करता है, चलो। तीसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10π/2x, 0 पे तो ठीक है लेकिन अगर मैंने वहां पे 1 फिट कर दिया तो 10π/2 क्या होता है इनफिनिटी, तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा फाइनाइटली, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गलत हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमने ले लिया साइन एक्स, ठीक है 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, हाँ 0 पे करता है, हाँ तो ऑप्शन नंबर 3 ट्रू हो गया। हार्डली 30 सेकंड का काम है, 4.5 नंबर आपको मिल गया 4.75 जो भी, ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम का क्वेश्चन है, और मैंने ग्राफ से किया था, मतलब एग्जाम में बैठने पे क्या होता है ना फियर आता है, तो मैं ये लिमिट विमिट का कॉन्सेप्ट भूल ही गया चेक करना, ठीक है मैंने डायरेक्टली ग्राफ से कर डाला था इसको, बिकॉज मुझे ग्राफ ऑब्वियसली याद थे, दैट इज व्हाई आई डिड इट, राइट। तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन है ई रेस टू माइनस एक्स, और दूसरा एक जो फंक्शन है वो है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला बोला कि बोथ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस की बात किया ऑन आर, ठीक है तो ऑन आर की मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में बात चल रही है, तो पहले का लिमिट निकालो ना आप, लिमिट एक्सटेंडिंग को अगर मैं इन्फिनिटी निकालूंगा ई रेस टू माइनस एक्स का तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है 0, एग्जिस्ट कर गया, बट अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी निकालूंगा ई रेस टू माइनस एक्स तो वो क्या आएगा, ई रेस टू इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये तो खत्म है, मतलब एफ इज नॉट यू सी बिकॉज वो इफ एंड ओनली का केस था, राइट। आर में तो यू सी नहीं है, इंटरवल चेंज करने पे क्या होता है हमें पता नहीं। अब जी की बात कर लेते हैं, जी क्या है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी विच इज 0, और सेम प्लस इन्फिनिटी के लिए भी इतना ही आएगा बिकॉज ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी एग्जिस्ट कर गया, तो मतलब जी तो यू सी है, जी इज यू सी इन आर, यू सी इन आर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 तो ट्रू हो गया और ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 की बात करते हैं, 4 पे देख लो fx into g of x जो है
यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात किया, तो एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालो, एफ इंटू जी निकालो तो क्या आएगा, ई एस टू माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका भी सेम आपको लिमिट निकालना है और कुछ नहीं करना है, राइट तो अगर देखा जाए तो ई एस टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट निकालोगे तो माइनस इन्फिनिटी तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ से, राइट तो दिक्कत हो गया क्योंकि प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर दो पे आते हैं, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एवरी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा प्लस इन्फिनिटी और ए क्या है बिलोंग टू आर, मतलब बोल रहा है कि कोई भी अगर एक नंबर ले लिया तब एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट तो अगर एक फाइनाइट नंबर अगर है मान लो, क्योंकि हमारा जो दिक्कत है किस लिए आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी की वजह से आ रहा था, इसकी वजह से आ रहा था, प्लस इन्फिनिटी की वजह से दिक्कत नहीं आ रहा था क्योंकि एफ एक्स का जो लिमिट है ना वो प्लस इन्फिनिटी पे तो एग्जिस्ट कर रहा है जो कि जीरो आ रहा है। तो अगर मैं दूसरे एंड पॉइंट पे अगर मैं लिमिट निकालता हूँ, अब हमें खाली चेक करना है कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है कि नहीं, यहाँ पे ए पे अगर लिमिट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, ई रेज़ टू माइनस ए आएगा, वन अपॉन ई रेज़ टू ए आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया, राइट तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दो तीन भी सही हो गया, 4.7 मार्क्स आराम से मिल गए। ओके वैसे तो अब पेज खत्म हो गया बट कुछ चीजें और है जो मुझे डिस्कस करनी है, तो मैं एक बार एक नया पेज ऐड करके ना डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके तो तीन पॉइंट और है जो कि मुझे डिस्कस करनी है। देखो स्टेटमेंट कभी कभी पूछ सकता है, राइट तो ये स्टेटमेंट को याद रखो जरा कि क्या कहना चाहता हूँ, कि अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक is bounded and is UC, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। ये मुझे एक इंटरव्यू में भी, जब मेरा पीएचडी इंटरव्यू चल रहा था तो वहां पर भी एक क्वेश्चन था कि प्रूव इट, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको प्रूव करो, ठीक है। पहले तो पूछा गया कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, मैंने बोला हाँ सही है, देन दे आस्क मी कि प्रूव इट, राइट तो इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा भी जो क्वेश्चन है वो भी इंटरव्यू में पूछा गया था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन मैप्स bounded sequence to bounded sequence, दूसरा a uniformly continuous function maps Cauchy sequence and similarly since Cauchy को करेगा तो convergent sequence को कहाँ पे map करेगा, convergent पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो चीज है ना मुझसे interview में पूछा गया था, ठीक है। तो please ये सारे statement आपको exam में भी आ सकते हैं option देके, तो वहां से डिस्कार्ड करने में ये काम आ सकता है, राइट। और एक याद रखो कि फ्लक्चुएटिंग फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है, राइट। तो हाँ एक और है कि कभी कभी हमें ये लग सकता है कि कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड फंक्शन हो गया इन आर तो वो यूसी हो जाएगा, बट ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यूसी है, मतलब ये कंटिन्यूस और बाउंडेड दोनों बट ना ये यूसी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट याद रखो, ये सारे स्टेटमेंट आपके एग्जाम के ऑप्शंस बन सकते हैं या फिर आपको काम भी आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको कम से कम 4 से 7 नंबर का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है जो कि ऑब्वियसली बहुत है, राइट। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, राइट। आप ही ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, बस 3-4 दिन और बाकी है मेरी तरफ से जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।